वेलकम एक नाज़रीन टेलीवि लाइन से जॉइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासत तहरीक इंसाफ से वास्तो आ उन्हें जो पीटीआई जा एमएनए आन तहरीक इंसाफ जा नेशनल असेंबली में प्रेसिडेंट आन तहरीक इंसाफ जा सर तांग वेलकम चाहूं था अपने प्रोग्राम में मेहरबानी इंतज़ाह बा अरे प्राइम मिनिस्टर साहब सिंध यात्रा कई सिंध जो दौरो कियो केसीआर जो मंसूबे जो इफ्तिताह थियो शख्सियतुन जो मुलाकातूं भी गवर्नर हाउस में थियूं तहां गड होयो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सा एकड़ी बेहतर मूव हुई एकड़ी बेहतर विजिट हुई छाथा दिसो मुस्तकबिल में कुछ शख्सियतूं ज्वाइन कंदियूं तहरीक इंसाफ के मेहरबानी इम्तियाज़ भा तहां बिल्कुल अज प्राइम मिनिस्टर जो आज को दौरो बेसिकली दौरो जो प्राइम मिनिस्टर सिंध जो दार खिलाफ कराची है उनकी डेवलपमेंट के हवाले से तुम्हें खबर 11 अरब जो पैकेज वो उन्हें तकरीबन 90% शेयर जो वफाक कहो हो उनमें वफाक अगर कराची वा टे नाला होजन उन्होंने सफाई हो या ग्रीन लाइन बसिस जो हो 40 तुम गुजर लास्ट वीक अची चुक 40 बसों या अगर फायर ब्रिगेड होजन केपीटी में तुम तो फायर ब्रिगेड से कराची ला पौत या अज जो वे में वो कराची सर्कुलर रेलवे जो कें वक्त में पाकिस्तान में असाजा जो वडड़ा जो अज कुछ आज कुछ जिन लदे हुआ उन्होंने ये कराची रेलवे दिखो अजो जो कराची 1960 में अज वो 2021 में अज कराची ना उन कराची के मानन की सहूलत कराची सर्कुलर रेलवे जो प्रोजेक्ट जो ग्राउंड ब्रेकिंग थी मैं समझा तो उनमें कम हल पे इंशाला तला जो अज असद उमर साहब ब्रीफिंग दिनी यो आईंदा अढ़ाई या 3 साल में मुकम्मल जै बी ज्वाइनिंग की गाल कई उनका गवर्नर अज वे में सुठी गाल अको केंट स्टेशन कराच सर्कुलर जैमें सिंध हुकूमत हुई दस वफाक अज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वार बार इन गाल तवज दियारे तो सिंध में अगर असें तरक्की करनी है सिंध के कराची में तरक्की करनी है सिंध के बेन दिल में तरक्की तो वफाक ए सूबा गर्जी कम कदा किथे सूबन के वफाक की जरूरत पवी किथे वफाक सूबे की जरूरत पवी ओनरशिप कराची खरण तैयार है सिंध की ओनरशिप खरण तैयार है पर हम अज उन मदद घुरी सिंध हुकूमत का खास तौर से मदद हों तुम दिखो तो उन्होंने बोंदो आइलैंड के लिए भी गाल कई या बिहार मनसूबा अगर सिंध में कहना उनके हवाले से भी गाल कई जैमें उन्होंने यह भी गाल कई तो अड़ो कम कर जैमें बिन्नी जुड़ी की विन विन सिचुएशन है उन कदें भी उन्हें चाहे तो सिर्फ वफाक डॉमिनेंट रहे विन विन सिचुएशन मुराद ही है तो जो कम कजे तो चाहे उनके सम्राट मिलता वो सूबे के मिलता अगर कराची में सिंध में तरक्की थे थी अल्टिमेटली बेनिफिशियल उनकी सिंध की आवाम ही होंगी लाजमी सिंध पाकिस्तान का हिस्सो है सिंध वो कराची वो शहर है जैमें पाकिस्तान की सारी आवाम जो हर गोठ से माँ रहे तो मैं समझा तो ओनरशिप खरना तैयार है बी गाल तेरे में ज्वाइनिंग के हवा से कई ज्वाइन कर वे न पे बल्कि अज ज्वाइनिंग थी चुकी है अज ऑफिशियली साबिक वजीर सिंध ए पाकिस्तान टीम लेन जो पुरानो सीनियर रहनुमा समझा तो सिंध जो वो नालो रिटायर्ड जस्टिस गोसली शाह साहब जी अज ऑफिशियली ज्वाइन कर चुको है मैं समझा उनका पुट भी उन वो ज्वाइन कर चुका लफ्ज नालो वो इनमें कलीदी किरदार है पंजो जलाल महमूद शाह की अहम मुलाकात भी तहां कराई है यो तहां दे तहां जो रोल है इनमें बहुत साईं बेसिकली साईं जलाल शाह साहब एक तहां खबर है सिंध जो वो को नालो है साईं जीम सर जो पोटो है वो सिंध यूनाइटेड पार्टी जो अगवान भी है बेसिकली सिंध की जेका जनरल सियासत है उनते गाल बोल थी तो सिंध में जेका सियासत है वो केड़े तरीके से कजे एस यू बी ए पीटीआई गर्जी करे इलेक्शन किए विड़न उन भी गाल बोल थी मैं समझा तो एक मुलाकात करीब दोबारा साईं जलाल शाह की इस्लाम मुलाकात थी जैमें ये तय किया तो आईंदा अगर एस यू पी खुद एक पार्टी है तो एस यू पी ए पी टी आई गर्जी करे जिन जिलों में जिन एस यू पी की अगर जिन मेजॉरिटी है जी जामशोर जिलो है साईं जलाल शाह हमेशा जामशोर में इलेक्शन लड़े तो वो तकरीबन लख खान वोट इन दफे भी खेन तो अस लाजमी है अगर सिंध में अस पीपल्स पार्टी का मुकाबलो करो तो अस वन टू वन मुकाबला करना पवाना अस चाहिंदी तो साईं जलाल शाह की अड़े शख्सियत है उनके सामू उम्मीदवार न बीहारूँ साईं जलाल शाह की सपोर्ट पीटीआई करें जैसे साईं जलाल शाह के हेठी
अगर विंग ते अगर एमपीज कैंडिडेट खपे तो असा इंटरव्यू दे सकूं तो चवण मतलब यो तो बेसिकली 2023 मथा इलेक्शन की तैयारी है जिते सिंध की डेवलपमेंट की गाल उते सिंध की सियासत की गाल समझा तो साईं जलाल शाह भी कुछ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के सिंध की सियासत के जिलों के हवाले से कुछ जान दिनी जैसे एक दोबारा एक नशस्त कई वी जैमें गवर्नर सिंध खुद तुम बी जलाल शाह साई हलो उनकी फादर चाचा साई अमृत शाह इंतकाल कर उनकी फादर भी कई हुई ए गवर्नर सिंध उनके दावत दिनी हुई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मुलाकात करने जो उन कबूल कई गवर्नर साहब जो ताजियत कर घर ताजियत के लिए तुम भी मुझे ख्याल से मत गड हो उनमें मां बिल्कुल बेसिकली मां जदे सन वे होस मुनी साईं जलाल शाह जी चाचे जी वफात ते ताजियत में उन नी भी मां साईं जलाल शाह जी गाल कराई हुई गवर्नर सिंध सा तो गवर्नर सिंध बेसिकली साईं गवर्नर साहब हलण तैयार हो सन पे हलण तैयार हो पर साईं जलाल शाह अची चुको बीमार हो काफी दिन का कोरोना में भी हो तो उन पर इमरान खान साहब भी ताजियत कई है जलाल मोहम्मद शाह साहब सा सही जलाल शाह दुख जो इजहार लाजमी दुख जो इजहार किया ऑफिशियली चाचो गुजारे साई दुख बिल्कुल वंडियो ये रवायत असि दुख वंडण बुनियादी फर्ज में शामिल थे तो इंसान उन जरूर फातखानी भी कई हुई ठीक है सर टिन साल खान साहब आयो है टे साल जो अरसो गुजरी चुको है बस साल वनी बचा मसला तमाम घना इशूज तमाम घना पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ मजबूत गवर्नमेंट आए ढी ग्रिप है पीपल्स पार्टी की महंगाई बेरोजगारी डॉलर पेट्रोल का वड़ा मनसूबा सिंध के अंदर शुरू करे कोन सकी तहांजी गवर्नमेंट मानू छड़े करे पीपल्स पार्टी की ज्वाइन कर चुका है रिसेंटली मेहताब को राशदी साहिबा भी उदे वही तहां के सिंध के अंदर तमाम घणी दुखाइयों आहन अन्या दुखाइयों पेश इंदियो छा चोंदो जयप्रकाश साहब दसो सियासत में हमेशा एक जस्तजू रहनी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान देखो वजीर पाकिस्तान इमरान एक शख्सियत है वो हमेशा जस्तजू में रहंदो वो कदे भी एक मानू दरबर्दाश्त थेणा तो शख्सियत ना है मां समझा तो सियासत में हमेशा हर डेली बेसिस ते तहां के एफर्ट्स रखना पौंदा जर तुम मुल्क की सिंध सूबे सिंध की अगर भलाई चाहोता तक तब्दीली आने चाहोता तो तक दिल न हलानी पवी समझा तो उन्हें कोई शक को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजरल 13 साल की टो टर्म है कंटिन्यूस जैमें सिंध से हुकूमत करे पी पर तुम सिंध की सूरत हाल में का खास तब्दीली ना आई है ऐसो तुम टे दौर ही इन का 70 थो 77 थो मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी हुकूमत रही पर सिंध अज बुनियादी सहूलत का महरूम आ मां समझा तो मेहताब राशिद राशदी के जगह तक अगर आऊँ पुराना के इंटरव्यू जो दिखारे तुम हैरान थी तो उनके लिए पीपल्स पार्टी के लिए ऐलो पे अज ज्वाइन कई सही उनके शॉप की इख्तियार है का पार्टी को ज्वाइन कर सके तो असो फर्ज है सभी के दावत दियण सिंध सूबे की भलाई के लिए एक पैकेज मां समझा तो कराची जो सिंध की लालू खिलाफ हुआ उनमें वफाक अगर अगर रो 11 अरब जो पैकेज दियण नंबी गाल ना है तो कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान के हलए तो कराची वो शहर है जो सूबे सिंध के हलए तो मां समझा तो कराची की तरक्की में इमरान खान अग्या है उन गो गड यो याद कराया कि सिंध की तरक्की गाल सिर्फ कराची में असा जो बया जिला उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वजीर अस मनसूबाबंदी असद उमर साहब जो 14 जिले पैकेज दी चुको है करीब उन भी कम शुरू थी तो ऐसो पाकिस्तान तमाम वो मुल्क है 4 सूबा इनमें कोई शक को माली वसायल तमाम घटे मुल्क अगे कर्जन में उखुड़ल है पर मां समझा तो माली वसायल न होने बगैर भी अगर जो काफ़ी बेहतरी चाहे तो इनके सिंध के मान की वेलकम करें खे बुदाई खुशखबरी तो सखर हैदराबाद मोटर जो भी टेंडर अची चुको है जिन्हें जल्द फाइनेंशियल बिड खुली वी उनका अनकरी उन इख्ताफ भी किया वो मां समझंदी वे वा मनसूबा जैसे वो अग्न रो उन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में को सूब में को तफावत नजर उनके लिए उिंध हो बलोस्तान हो केपी हो पंजाब हो सभी के नजर दिसे तो समझा तो इन में कोई शक को पाकिस्तान जो दौरा घट रहा पर जो भी दौर रो चाहे तो उन दौरे में अचान जैमें कुछ दई वा अज भी कराची सर्कुलर रेलवे के प्रोजेक्ट दई वो इन का अगर सखर आयो तो सखर में सखर हैदराबाद मोटर दई वो अड़े तरीके से मसला हल वरी जयप्रकाश जो इन गई इजाज़ अल्लाह हाफिज़।